राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री महेश जोशी के सरकारी मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफे से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे की वजह को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखचंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक व्यक्ति एक पद और 25 सितंबर के घटना पर कार्यवाही का परिणाम बताया है। अब रंधावा के इसी बयान के बाद कैबिनेट मंत्री जोशी ने भी इशारों ही इशारों में पायलट खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग को उठा दिया है। महेश जोशी ने कहा कि रंधावा जी के बयान का मैं सम्मान करता हूं, मैंने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि अब पेंडिंग मुद्दों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 महीने यानी विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले ही इस्तीफा सौंप दिया था और मुख्यमंत्री जी से मुख्य सचेतक पद से मुक्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद राहत महसूस कर रहा हूं। साथ ही कहा कि अगर मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे को रंधावा जी कार्यवाही का हिस्सा बता रहे हैं तो अब बाकी की अनुशासनहीनता के मामलों में भी कार्यवाही का इंतजार रहेगा। गौरतलब है कि 25 सितंबर को कांग्रेस आलाकमान के भेजे गए पर्यवेक्षकों की ओर से सीएम हाउस पर बैठक बुलाई गई थी, जिसका विधायक दल ने बहिष्कार कर दूसरी बैठक में हिस्सा लिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक के मामले में धारीवाल के साथ महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। इसके बाद तीनों नेताओं ने नोटिस का जवाब दे दिया था।